टाटा की झोली में जाने वाली है। हमारे दर्शकों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि एयर इंडिया इस समय भारी आर्थिक समस्या से गुजर रही है और एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट सरकार के लिए एक बहुत कठिन मगर महत्वपूर्ण और एक इम्पॉर्टेंट कदम होगा। मगर भारत सरकार की जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया है उसने लगता है फिर अच्छी तरह से रफ्तार पकड़ी है। इतना स्वदेश के पास एक्सक्लूसिव सो स्पेस स्टोरी है कि आने वाले समय में सरकार स्टील सेक्टर के अंदर भी कुछ बड़ी सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। जैसा आप जानते हैं कि सरकार का इस साल का डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है काफी बड़ा टारगेट है मगर कठिन टारगेट नहीं है। जो लक्ष्य है सरकार के सामने मार्च से पहले पहले करीब 1,75,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट। कठिन है जैसा मैंने कहा मगर इम्पॉसिबल नहीं है। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट के बाद अगर सरकार कुछ अपनी हिस्सेदारी स्टील सेक्टर की सब्सिडरीज में बेच पाती है, BPCL की स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल, LIC का IPO, कुछ कठिन मगर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो इस समय कंटेनर कॉरपोरेशन और शिपिंग कॉरपोरेशन के डिसइन्वेस्टमेंट में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उनको अगर एक पॉलिसी लेवल पर सॉल्व कर दिया जाएगा तो सरकार का शायद ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट है वह ईजीली अचीव हो सकता है। हर साल हमने एक तरह का पूर्ण डिसइन्वेस्टमेंट नहीं देखा है। कुछ साल पहले HPCL ONGC का मर्जर हुआ था, हमने देखा था PFC ऑफ REC का मर्जर हुआ था, कुछ सरकारी सब्सिडरियां एक दूसरे से मर्ज कर दी जाती हैं जिससे टारगेट तो अचीव हो पाता है मगर जो पर्पस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है जिसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर से निकलना चाहती है, शायद वो जो पर्पस है, वो जो उपलब्धि है वह हासिल नहीं हो पाती है। पर हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट जयजीत भट्टाचार्य जी इस समय जुड़ रहे हैं, उनसे इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। भट्टाचार्य जी, आपका ईटी नाउ स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि फाइनली एंड थैंकफुली सरकार की जो डिसइन्वेस्टमेंट की अटकी हुई गाड़ी थी क्या वह अब सही मायने में इज बैक ऑन ट्रैक? देखिए, प्रश्न यह है कि पहले सरकार ने इसको क्यों नहीं बेचा, क्यों उन्होंने पहले डिसइन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसके पीछे कारण है, हमारा जो स्टॉक मार्केट था वो डाउन था, क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो पब्लिक एसेट्स है वो क्या कम दाम पे बेचा जाए? अभी जो स्टॉक मार्केट है वो वापस अभी एक लेवल पे आ गया है जिसमें अब बेचने में इसका सेंस बनता है, अभी मतलब बनता है कि हम हाई प्राइस पे बेचे। और इसी कारणवश सरकार का जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो प्लान है वो अभी वापस हमें दिख रहा है कि बैक ऑन ट्रैक है। सो इसका कारण यही है कि स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो बैक ऑन ट्रैक। अगर हम कोई पब्लिक एसेट कम दाम में बेचते तो इसमें फिर पब्लिक का रिएक्शन होता, अपोजिशन का रिएक्शन होता, एक पॉलिटिकल इशू बन जाती। हमें जो देखना है जो और जो सरकार का जो नीति है वो ये है कि ना दैट द रीजन फॉर सेलिंग, जिस कारण से वो बेच रहे हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि पैसा अभी आए, इसका ये भी कारण है कि जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं वो अच्छी तरह चलाया जाए। इसका मतलब यह है कि उनका जो रिटर्न आ रहा है, जो इकोनॉमिक रिटर्न आ रहा है वो भी पहले से बढ़ जाए, इससे पूरे इकोनॉमी का फायदा होता है। सो देयर आर टू रीजंस, दो कारणवश सरकार इसको बेच रहे हैं। एक तो रिटर्न आएगा, जो पैसे आएंगे, और दूसरा ये जो एसेट्स हैं उनको ताकि अच्छी तरह चलाया जाए उनका जो रिटर्न्स है वो ज्यादा हो, तो इन दो कारण के लिए ये एसेट्स को बेचा जा रहा है। इसलिए कुछ एसेट्स आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर जहां पे मैनेजमेंट ट्रांसफर हो जा रहा है, और कुछ आ रहे हैं माइनॉरिटी स्टेक सेल में जहां पे सिर्फ पैसा आ रहा है। तो ये दो जो व्हीकल्स है उन व्हीकल्स के अनुसार सरकार ये जो एसेट्स है उनको बेचने का और या डिसइन्वेस्टमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, और यही सही वक्त है जब हम इसको बेच सकते हैं। अगर अभी हम इसको नहीं बेच पाए तो बाद में हमें फिर से यही समस्या आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट डाउन हो गया। हमने पिछले जो कुछ डिसइन्वेस्टमेंट देखे हैं वो एक तरीके के सूडो डिसइन्वेस्टमेंट है। सरकार एक हाथ से लेकर के दूसरे हाथ को देती है,
जैसे कि HPCL और ONGC का मर्जर, PFC और REC का मर्जर, कुछ सरकारी IPOs, कुछ छोटी मोटी सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेची जाती है, मगर पूर्ण रूप से कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। क्या यह लेबर कंसर्न्स की वजह से है या फिर इस समय पॉलिसी फ्रेमवर्क ही हमारा इतना कठिन है? इसके भी काफी कारण है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ बेचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आपका जो एसेट है उसका पहले आप वैल्यू बढ़ाएंगे। वो वैल्यू बढ़ाने का काफी सारे रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है कि आपके जो छोटे छोटे जो कंपनीज हैं उसको आप मर्ज करके आप एक बड़ा कंपनी बनाते हैं। दूसरा है जो आपके एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उसको आप और एफिशिएंट बनाते हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको आप निकाल देते हैं और आप उसमें दिखाते हैं कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो गया है। तो ये दो तीन मैकेनिज्म्स होते हैं जिससे आप अपना एसेट का वैल्यू बढ़ाते हैं बेचने से पहले। अब सरकार ने जो किया है वो पहला स्टेप उन्होंने अडॉप्ट किया है कि उनके जो जितने कंपनीज हैं जो सिमिलर एरियाज में हैं उनको उन्होंने मर्ज कर दिया है। इससे यह है कि उनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ गया है, इसलिए उनका वैल्यूएशन भी सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका है क्योंकि उन्होंने मर्ज किया हुआ। जैसे आपने बताया ONGC एंड HPCL, उनको मर्ज करके जो टोटल वैल्यूएशन है वो दोनों इंडिविजुअल कंपनीज के वैल्यूएशन से ज्यादा है। अब दूसरा जो हम कर सकते थे या सरकार कर सकता था उसमें यह है कि जो कॉस्ट कॉम्पोनेंट्स है उनको घटा सकते थे। अब कॉस्ट कॉम्पोनेंट जो आप घटाएंगे तो पहले ही सवाल उसमें यह आता है कि आप जो करंट एम्प्लॉयज है और जो रिडंडेंट एम्प्लॉयज हैं उनको आप निकालें। अब उसमें आपको लेबर यूनियन की दुविधा आएंगी, उसमें आपके पॉलिटिकल इश्यूज आएंगे, इसलिए ये जो चीज़ है वो सरकार ने नहीं किया है। सो जो आपका मर्जर से जो आप सीडो इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं या सीडो डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे हैं वो एक प्रकार से वैल्यू एनहांसमेंट था और वो आधी तरीके से किया हुआ था क्योंकि मर्जर हो चुका है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है जिसमें आप जैसे अब जगह आप दो कंपनीज मर्ज करते हैं उसमें दो आपके HR हेड्स होंगे, दो आपके IT हेड्स होंगे, दो आपके CEO होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, तो ये सारे जो कॉस्ट हैं वो घट जाना चाहिए क्योंकि इनको इनकी अब जरूरत नहीं होती है। लेकिन सरकार ने वो नहीं किया था। सो इसलिए इट्स अ पार्ट वैल्यू एनहांसमेंट बट नॉट ए फुल फ्लेज्ड वैल्यू एनहांसमेंट। इसमें पूरी तरीके से सरकार गया नहीं था, बट यू नो इट वॉज नॉट कम्प्लीटली अ सीडो डिसइन्वेस्टमेंट इन दैट सेंस। ये ऐसा नहीं कि सरकार ने इसको डिसइन्वेस्टमेंट का रूप दिया था, इसमें एसेट वैल्यूएशन बढ़ाने का प्रयास था। व्हाट इज द लो हैंगिंग फ्रूट व्हिच कैन बी प्लक्ड? इस समय कौन सी कंपनी है जो सबसे पहले डाइवेस्ट या विनिवेश हो पाएगी? आई थिंक बहुत सारे कंपनीज हैं। इनफैक्ट दीपम ने इनको ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है कि कौन कौन से कंपनीज है। आप देखेंगे कि एयर इंडिया छोड़ के BPCL भी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन है UAE है वो उनका हो चुका है, अभी वो सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन में चले गए हैं। अब पवन हंस देखिए, यहाँ पे जब लिबरलाइजेशन हो रहे हैं इन हेलीकॉप्टर ट्रैवल, जब हेलीपैड्स बहुत सारे बन रहे हैं शिमला में, नोएडा में, आप देखेंगे नोएडा से दिल्ली आप हेलीकॉप्टर में आ सकते हैं। जब ये लिबरलाइजेशन हो रहा है तो पवन हंस का बेचना, उसको प्राइवेटाइज करना इज अ लॉजिकल स्टेप। देयर आर मेनी पीपल जो पवन हंस खरीदना चाहेंगे। सिमिलरली सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड लोग खरीदना चाहेंगे क्योंकि सरकार का फोकस है कि इंडिया में और इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन हो। स्टील जैसे आपने बताया था, सेल के जो सेलम और भद्रावती स्टील प्लांट्स हैं उनको बेचा जा रहा है। And these are very high value items and ये अभी जो super cycle है commodities का उसमें steel का super cycle वापस आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही मौका है जब steel के जितने assets हैं सरकार का वो बेचा जाए। Shipping Corporation of India, another monopoly and it's a very large company। और आपको मालूम है जितना हमारा आयात निर्यात होता है, जो commodities का आयात और निर्यात होता है उसमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत अहम एक रोल होता है। और एक वक्त ये था कि शिपिंग जो शिप्स अवेलेबल थे वो बहुत कम थे। ये जो पैंडमिक होने से पहले हमारा शिपिंग जो अवेलेबिलिटी था उसमें स्केयरसिटी हो गया था। फिर आप देखेंगे BEML, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, जब हम एक तरीके एक जगह हम पुश कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बने और रोड्स बने, अभी हम करीब 40 किलोमीटर पर डे का रोड्स बना रहे हैं, तो जाहिर है कि जो कंपनीज उसके मशीनरी बना रहे हैं
उनका वैल्यूएशन बढ़ेगा। सो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड वैसे ही मशीनरी बना रहे हैं जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारे माइनिंग में जो मशीन लगते हैं वो प्रोड्यूस करे, तो BEML बेचना जायज बात है एंड इट्स वन ऑफ द लो हैंगिंग फ्रूट जैसे आपने बताया था। सिमिलरली स्टील में नीलाचल इस्पात निगम बेच रहे हैं। सो दीज आर ऑलरेडी यू नो ट्रांजेक्शन्स जो सेकेंड स्टेज में पहुंच गए हैं। अब इसके बाद जो फाइनेंशियल बॉडीज है जैसे IDBI बैंक, FSNL, फिर बाकी जो स्टील के कंपनीज है जैसे राष्ट्रीय इस्पात निगम, फिर जो लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, हमने अभी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात की थी, रेलवेज में कॉनकॉर एक मोनोपोली है, अगर हम उसको मोनोपोली की तरह बेचें तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा एज अ गवर्नमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर। यू नो PDIL जो प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड जो फर्टिलाइजर के प्लांट्स बनाते थे, हमें अभी और प्लांट्स चाहिए ताकि हमारा जो एग्रीकल्चरल उत्पादन है वो और बढ़े। अब PDIL अगर प्राइवेट सेक्टर में आ जाता है तो उसका जो प्रोडक्टिविटी है और बढ़ जाएगा और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को भी ज़्यादा अभी पैसे उसमें से मिलेंगे। तो ये जो कंपनीज है, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल्स में है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन IMPACL, ये दिस इज द राइट टाइम टू डिसइन्वेस्ट इनटू फ्रॉम ए फार्मास्यूटिकल कंपनी पर्सपेक्टिव, क्योंकि गवर्नमेंट को इन चीज़ों में रहने का कोई मतलब नहीं है, इनका वैल्यू हाई है, अभी एक कमोडिटी सुपर साइकिल आ रहा है, लोग इसमें जायज है कि जो एक्सपेक्टेड जो प्राइस है उसमें इनको बेचेंगे। पटेचार जी, आप हमारे साथ DT नवा स्वदेश पे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बिग इंटरव्यू के बाद अब वक्त हो गया है खबरों की ओर रुख करने का, जहां पर इकॉनमी के मोर्चे पर बड़ी खबर आई है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के आउटलुक में सुधार किया है और मूडीज ने भारत के आउटलुक को नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। हालांकि रेटिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, भारत की रेटिंग अब भी BA3 पर बरकरार है। मूडीज की ओर से जारी आउटलुक के मुताबिक भारत की इकॉनमी और वित्तीय सेक्टर से रिस्क कम हुआ है, लिक्विडिटी में भी सुधार हुआ है, वहीं भारत के बैंकिंग नॉन बैंकिंग संस्थानों की स्थिति भी बेहतर हुई है। दरअसल कोरोना की वजह से मूडीज ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को पिछले साल जून में घटा दिया था। मूडीज ने रेटिंग को BA2 से घटाकर BA3 कर दिया था। वहीं कोविड प्रतिबंधों में ढील मिलने की वजह से अर्थव्यवस्था में सुधार दिख रहा है। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की, जहां पर बाजार ने आज कमजोर शुरुआत के बाद अच्छी रिकवरी दिखाई है। निफ्टी में निचले स्तरों से करीब 180 अंकों की मजबूती हमने आते हुए देखी। बैंक निफ्टी की बात करें, अच्छी तेजी आज रही है। शेयर बाजार का आज का पूरा हाल बता रही है हमारी मार्केट रिसर्चर पूजा त्रिपाठी। जी, आज हमने देखा, जैसे कि आप बता भी रही थी, कि निचले स्तरों से बाजार में शानदार रिकवरी देखी गई है और निफ्टी की अगर बात करेंगे तो करीब करीब 160 अंक रिकवर होकर बंद हुआ और सेंसेक्स में 600 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी देखी गई है। और उसके अलावा बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे थे कि दिन भर कमजोरी थी, लेकिन फिर आखिरी में वहाँ पर भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ। आज तेल और गैस शेयरों में और एनर्जी और IT जो पैक थे उनमें काफ़ी मजबूती देखी गई। वहीं रियल्टी और फार्मा शेयरों में दिन भर दबाव में कमजोरी आज दबाव में इन्होंने कारोबार किया है। अगर टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करेंगे तो आज ONGC में शानदार मजबूती देखी गई, करीब करीब 10% की मजबूती आज ONGC में देखी गई थी। इसके अलावा इंडसइंड बैंक भी आज ऊपर थे। आज इनके जो Q2 के आंकड़े जारी किए थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसके चलते आज प्राइवेट बैंकों में अच्छी तेज़ी थी और इंडसइंड बैंक उसको लीड कर रहा था। इसके अलावा कोल इंडिया में अच्छी तेजी थी और IOC में भी आज शानदार तेजी देखने को मिली है। लूजिंग साइड पे बात करेंगे तो आज सिप्ला कमजोर था, निफ्टी का टॉप लूजर, उसके बाद हिंडालको, श्री सीमेंट और सन फार्मा निफ्टी लूजर में टॉप जो स्टॉक्स थे जहाँ पर कमजोरी देखी गई, उसमें दोनों फार्मा शेयर के ही नाम हैं। अब आते हैं मिड कैप स्पेस से, तो मिड कैप में आज पावर शेयरों में अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसमें पहले तो टाटा पावर और अदानी पावर, ये तो पावर स्टॉक्स थे जो कि टॉप गेनर थे आज। उसके अलावा आदित्य बिरला फैशन, आरती इंडस्ट्रीज़, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो कि मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा एक्शन में आज देखे गए हैं। और मिड कैप लूजर्स पे अगर नज़र डालेंगे तो ओवरऑल रियल्टी, ICICI सिक्योरिटीज़, डालमिया भारत
और भारत फोर्ज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज काफ़ी ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक भी थे जहां पर कि अच्छी तेज़ी देखी गई थी, और सरकारी बैंकों में भी आज मोमेंटम अच्छा था। इसमें अगर हम स्टॉक्स पर नज़र डालें तो PSU बैंकिंग से, निफ्टी बैंक से इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे बैंक थे जहाँ पर कि शानदार तेज़ी देखने को मिली है। और आज अगर कुछ ऑटो स्पेस की बात करेंगे तो अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक थे ऑटो स्पेस में जो कि आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो ये था पूरा आज का बाजार या मार्केट राउंडअप, लेकिन अब रुक करेंगे हमारी एक्सक्लूसिव खबर की ओर। सरकार टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है, कल होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं, क्या कुछ एजेंडे में होगा, समझते हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित से। समीर, बताएं कल की जो कैबिनेट की बैठक है इसमें प्रमुख एजेंडा क्या है? जी बिल्कुल, मैं मेटल की नहीं बल्कि टेक्सटाइल सेक्टर का जिक्र करूंगा, क्योंकि इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है जहां यूनियन कैबिनेट टेक्सटाइल सेक्टर में मित्रा स्कीम को मंजूरी दे सकती है, इसको हरी झंडी दिखा सकती है। और कैबिनेट में जो कल कैबिनेट मीटिंग होने वाली है इसमें एक औपचारिक इसको फॉर्मल अप्रूवल इसको दिया जा सकता है। मित्रा स्कीम के पास होने का सीधा मतलब यह है कि देश में 7 नेशनल टेक्सटाइल पार्क बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा, और योजना के तहत अगले 3 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में 7 नेशनल टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई ये बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर है कि कैबिनेट अप्रूवल इसमें मिल सकती है। अब दरअसल ये पूरी स्कीम है क्या, मित्रा स्कीम यानी कि मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क जो योजना है, इसके तहत राज्यों को कुछ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कुछ तैयारियां करनी होंगी। मसलन उनको 1,000 एकड़ की ज़मीन को पहले से उसको तैयार करके देना होगा इन्वेस्टमेंट के लिए। साथ ही स्टेट के इंसेंटिव शामिल हैं, जो बिजली की दरें हैं उसमें रियायत या सब्सिडी दिया जाना चाहिए, जो रोड रेल और एयर कनेक्टिविटी है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे राज्य जिनमें ये तमाम जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो अगर पूरी होती हैं तो वो राज्य ज़रूर तौर पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल इन्वेस्टमेंट जो टेक्सटाइल पार्क के लिए है उसमें वो जीत हासिल कर सकते हैं। योजना यह है कि एक बार कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद केंद्र सरकार एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी EOI, जिसमें तमाम राज्य आवेदन करेंगे और जो राज्य जिन उसको इवैल्यूएशन के बाद जो जीतेगा उसको ये टेक्सटाइल पार्क बनाने की अनुमति दी जाएगी। और इसमें अच्छा खासा सरकार को उम्मीद है कि वो निवेश, खासकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो ला पाएंगे। तो ये एक बड़ा बूस्टर डोज टेक्सटाइल पार्क के लिए आने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसमें कैबिनेट से जल्द इसमें मंजूरी मिल सकती है। जी शुक्रिया समीर तमाम डिटेल्स हमें देने के लिए। तो कल इन तमाम खबरों पर नज़र होगी हमारी, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इटिना स्वदेश के लॉन्च के बाद से ही बड़े कॉर्पोरेट्स और दिग्गज एक्सपर्ट्स हमसे जुड़ रहे हैं। जाने माने निवेशक और मोतीलाल ओसवाल के को फाउंडर रामदेव अग्रवाल से बात की इटिना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने, और आइए आपको ये बातचीत सुनाते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं रामदेव अग्रवाल जी, इटिना स्वदेश में उनकी पहली बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। रामदेव जी ने हमेशा स्वदेश का थीम इंडोर्स करा है, उनके एक बिलीवर रहे हैं, बुल मार्केट हो या बेयर मार्केट हो, उन्होंने एक चीज़ हमेशा बोली है कि फुल्ली इन्वेस्टेड रहिए, देश में बिलीव करिए, मार्केट को टाइम मत करिए, मनी इज़ मेड बाय बाइंग गुड कंपनीज एंड बाय होल्डिंग ऑन टू गुड स्टॉक्स, इनकी एक पंच लाइन थी, बाय राइट सिट टाइट, हम उसी पे बात करते हैं। रामदेव जी स्वदेश में आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कांग्रेचुलेशंस निकुंज फॉर स्टार्टिंग दिस वंडरफुल यू नो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इट इज स्वदेश, सो आई एम श्योर इट विल हैव इसके बहुत सारे आपके जो रिटेल का जो बूम हो रहा है, जो अभी 4 करोड़ जो निवेशक है वहां से वो 10 करोड़ से 20, मेरे ख्याल से 20 करोड़ इज द टारगेट मेरे हिसाब से, मेरे साथ वो 5 साल में होगा 10 साल मालूम नहीं, बट मेरे को लगता है अगले 10 साल में हमारे पास 20 करोड़ इन्वेस्टर रहेंगे जो अभी 4 करोड़ है, तो ये 5-6 गुना तो बाजार हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल में, एंड देन उनके आप उनको सबको हेल्प करेंगे। और ये पूरी कहानी आप लेके जाएंगे हिंदी में, जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं जो MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, UP, बिहार, आई थिंक ये बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर आपके जो स्वदेश का जो हिंदी भाषी जो चैनल है उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा, और वो देखना चाहते हैं। आप जो अंग्रेजी में जो अच्छे अच्छे लोगों लेके आते हैं
टाई पहन के जो आते हैं सब, उनको सबको आप हिंदी में लेके आइए, बहुत मजा आएगा। तो रामदेव जी, हमारे स्वदेश का जो टैगलाइन है वो है बदलो और बढ़ो देश के साथ। आपको क्या लगता है कि इस बार जो नए निवेशक आ रहे हैं, नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं, मुझे एनएससी वाले बता रहे थे कि नागालैंड के अंदर डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, कोई मुझे बता रहा था कि छोटे छोटे गाँव और कस्बों में बिकॉज ऑफ इंटरनेट अकाउंट खोल रहे हैं, आपको क्या लगता है जो रिटेल बूम की आप बात कर रहे थे, इट इज रियल एंड इट इज हियर टू स्टे? एब्सोल्युटली रियल, मैं बता रहा हूँ ये तो, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा रिटेल ब्रोकर हूँ ना, आई मीन वी आर द ओल्डेस्ट रिटेल ब्रोकर, सो वन ऑफ द सर्वाइविंग वंस आई वुड से। सो मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिटेल एक्सपांशन इज रियल। लास्ट ईयर जो नंबर ऑफ अकाउंट्स जो पूरे इंडस्ट्री में 1.5 मिलियन 2 मिलियन होता था, वो 20 मिलियन आया। सो दैट इटसेल्फ शोज दैट ये बहुत बड़ा एक अपने आप में रिवोल्यूशन बता रहा हूँ। 800 मिलियन बैंक अकाउंट है, 40 मिलियन डीमैट अकाउंट है, 200 मिलियन आपके LIC पॉलिसीज है, तो ये तो भाई 100 मिलियन तो मेरे को सामने दिख रहा है, 100-150 मिलियन तो आराम से हो जाएगा। तो ये जो एक्सपांशन है, ये इसका देखिए बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट है। एक तो क्या है, इसमें क्या होगा कि देखिए मार्केट के दो रोल है, मार्केट खाली सिर्फ इन्वेस्टर के बाई सेल के लिए नहीं बना हुआ, मार्केट हैज टू रोल्स, वन इज टू प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल टू द कंपनीज एंटरप्राइजेस द एंटरप्रेन्योर्स, तो वो रोल जो है बंद हो गया था। आप देखिए 15-20 साल से IPO मार्केट वॉज लाइक मंदिर का पट खुलता है 2 घंटे के लिए, ऐसा ऐसा हो गया था पूरा। अब जो है आप देखना बहुत सस्टेन रहेगा, अभी थोड़ा जाती हो रहा है लेकिन ये सस्टेन रहेगा। आपके जैसे जैसे थोड़ा बाजार रिजनेबल होगा, समझ में आएगा कि भाई ये लोग 2-4 दिन के लिए नहीं, ये परमानेंट आ रहा है, देर इज अ क्राउड हु इज गोइंग टू लुक एट दैम, तो ये क्या होगा। मेरे को ऐसा लगता है कि जो सस्टेन IPO मार्केट वॉर्म IPO मार्केट रहेगा, उससे एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि बैक एंड में आप यदि एंटरप्रेन्योर हो, किसको 100 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, मिलता नहीं हो पैसा वो, क्योंकि जब तक आप AAA नहीं हो, जब तक आप बहुत बड़े नहीं हो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, तो ऐसे थोड़ी IPO मार्केट चलता है, उससे देश कैसे चलेगा। तो रामदेव जी, आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं, और जब मैं अनुभवी इन्वेस्टरों से बात करता हूं तो हमेशा एक दो चीज़ों को वो देखते हैं कि भाई IPO मार्केट में कितना हल्ला गुल्ला चल रहा है और रिटेल पार्टिसिपेशन कितना है। मुझे आपने एक बार बताया था कि बेयर मार्केट बेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट इज व्हेन बायबैक्स आर ऑन एंड द बेस्ट टाइम टू सेल व्हेन IPO बूम इज ऑन। अभी रिटेल बूम भी और IPO बूम भी है, तो आपको नहीं लगता कि पुरानी फैक्टर्स को हम कनेक्ट करें तो यूफोरिया का साइन है? अभी है फोरिया है, पक्का है, आई कांट डिनाई दैट, बट सी जैसे मैं आपको बोला ना, चार सी जो बड़ा 50 एक बार भूकंप आया था ना, उसके बाद भी ट्रेमर्स आते हैं, तो ट्रेमर्स आएंगे लेकिन भूकंप नहीं आएगा। वो जो बड़ा तूफान होना था वो हो गया, जो अभी जो आपका मार्च में हुआ लास्ट ईयर, उसमें बहुत क्लिनजिंग हो गया, बहुत क्लीनिंग हो गया, शुद्धिकरण हो गया सबका, सब जो वीक थे सब निकल गए। अब जो बचा है और जो बन रहा है अभी, ये नया नया क्रिएशन है, नया इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नया पैसा आ रहा है, तो ये जो है कुछ एक्सपांड होगा पहले, और रास्ते में काफी करेक्शंस भी होंगे। तो अभी जैसे आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा IPO मार्केट है, इट्स अ साइन ऑफ ओवर रेटिंग, क्लियरली ओवर रेटिंग, एंड देयर आर मेनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस के लिए कि भाई लिक्विडिटी बहुत है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी बहुत कम है, फिक्स्ड इनकम कोलैप्स हो गया है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर कमिंग इन, ओपनिंग अप का बहुत ऑप्टिमिज्म है, के शेप रिकवरी, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं तेजी के लिए। मंदी के लिए आप बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमी स्टिल अभी भी यू नो इट इज नॉट कम आउट ऑफ द कोविड प्रॉब्लम, जॉब्स आर लॉस्ट, बहुत सारे जॉब्स निकल गए, सूची से बॉटम ऑफ द पिरामिड इज नॉट डूइंग वेल, तो ऐसे नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो करेक्शन तो होंगे। लेकिन मैं जो फंडामेंटल बात बोल रहा हूँ, यदि आपके 40 करोड़ के बदले में 200 करोड़ इन्वेस्टर आ गए, 4 करोड़ के बदले में 20 करोड़ इन्वेस्टर आ गए, तो ये कैरेक्टर ऑफ द मार्केट विल बी परमानेंटली चेंज टू द पॉजिटिव आंसर, मतलब ये मार्केट अलग ही हो जाएगा, बिलीव मी एकदम अलग मार्केट हो जाएगा। हम अगर बात करें दुनिया में क्या हो रहा है, तो चाइना एक तरह से एक डिफरेंट नीति अपना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम कर रहा है वह, अपने कंपनीज को और स्ट्रिक्ट हो रहा है, तो चाइना इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, शायद चाइना की वजह से ही ट्रेड इतना बड़ा बना है, चाइना की वजह से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। अगर फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बंद हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आएगा, तो आपको क्या लगता है कि चाइना फैक्टर को एक निवेशकों को कैसे देखना चाहिए? हम जब सुबह अपना कार्यक्रम चालू करते हैं तो चाइना में ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ऐसी खबरें आती हैं जो कि काफी लोगों को नर्वस करती हैं।
देखिए चाइना के बारे में क्या है, खबर भी बराबर समझ में नहीं आता कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग आप लोग हैं, ब्लूमबर्ग है, मतलब नेटवर्क्स है, इंटरनेट है, तो काफी खबर आता है, वहां के न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, वहां के लोगों से बात कर सकते हैं, वहां के एनालिस्ट से बात कर सकते हैं, फिर भी एक नॉलेज लेवल बहुत कम है। ऐसे तो कोई भी इकोनॉमी के बारे में, इतने बड़े इकोनॉमी के बारे में, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी टू हैव एनी ओपिनियन इज टफ, बट वो मार्केट लेड इकोनॉमी नहीं है, वो क्या कम्युनिस्ट पार्टी से का काफी वर्चस्व है वहाँ, तो वो कैसे चलाना चाहते हैं वो समझ में नहीं आता है। तो वो मतलब बहुत अनसर्टेनिटी टाइप का, वो इट हैज मेड देयर मार्केट्स आल्सो अनसर्टेन, और पूरी दुनिया के मार्केट्स को कई जगह, मतलब देखिए बहुत सारे डिसलोकेशंस है, लॉजिस्टिक ग्लोबल लॉजिस्टिक ब्रोकन डाउन है, इलेक्ट्रिसिटी आई मीन अमेरिका यूरोप में पावर कट्स आर गोइंग ऑन, चाइना में पावर कट्स आर गोइंग ऑन, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट इन प्लेस राइट नाउ, एंड इट इज बिकॉज एक तो कोविड हुआ उसके कारण से कई पोर्ट्स बंद है, कई पोर्ट्स में डिलेड है, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स आर वेटिंग समवेयर, तो वहां से एम्प्टी कंटेनर्स नहीं आ रहे, तो उसी कारण से लॉजिस्टिक ब्रोकन डाउन है और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक गॉन थ्रू द रूफ, तो उसी कारण से देर इज वन प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दैट। सेकेंड, कंज्यूमर्स आर नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट कि भाई कोविड थर्ड वेव खत्म हुआ कि नहीं हुआ, मतलब थर्ड वेव आया नहीं आया, तो उसके लिए थोड़ा सा कंज्यूमर डरा हुआ है, तो वो जब वापस आएगा बाहर पूरा वैक्सीनेशन हो जाएगा उसके बाद, तो फिर वो कैसे बनेगा। एंड देन यू हैव द मैसिव लिक्विडिटी प्रिंटेड, मतलब अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी हैज बीन रिलीज, मतलब आप क्या, मतलब 7-8 लाख करोड़ का डेली रिपो हो रहा है, सो ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। सो इसमें बहुत सेंसिबल ढंग से सोचने का बहुत मुश्किल है कि भाई चाइना का क्या होगा या किसका क्या होगा। एक बात पक्का है, चाइना इज अ वेरी वेल मैनेज गवर्न इकोनॉमी, सो थिंग्स विल नॉट गो आउट ऑफ हैंड, दैट मच आई कैन टेल यू। तो रामदेव जी, अगर समय अच्छा है और ये बुल मार्केट जैसे कह रहे हैं कि अभी एक ओल्ड मिच्योर बुल मार्केट नहीं है, मिडिल एज में है, माफ़ी करें मैं आपकी उम्र की बात और मेरी उम्र की बात नहीं कर रहा था, मैं बुल मार्केट की उम्र की बात कर रहा था, तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर समबडी टू पार्टिसिपेट इन दिस बुल मार्केट? देखिए पहले तो आप इन्वेस्टर बनो, आप सट्टा मत करो, आप एक बहुत फर्क है अपनी, कुछ आप जो सटोरिए और जिनको जल्दी पैसे कमाने, यहाँ जल्दी पैसा नहीं, आपके डबल पैसे होंगे 5 साल में, आप बैंक में जाएंगे तो 10-15 साल लगेगा, है ना। सो ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए, 15 साल में डबल करना है, 5 साल में डबल करना है, ये गेम है, ये अगले 6 महीने में ये खरीद लो वो खरीद लो वो सब कुछ नहीं होने वाला। सो आप 5 साल 6 साल में डबल करने लिए आए, यदि उस टाइप का पेशेंस लेके आएंगे तो आपको पक्का उससे भी पहले हो सकता है। सो इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो विद दैट काम थोड़ी शांति से भी आप काम करेंगे तो अभी भी यहां से आप यदि इन्वेस्ट, मान लो आपको बहुत डर लगता है, आप ऐसा ही भी करिए, 12 महीने तक 12 इंस्टॉलमेंट डालिए, आपको 12 लाख रुपए डालना है, 1-1 लाख रुपए हर महीने डालिए, आप 12 महीने में आप अंदर हो जाएंगे बाजार में, ऐसे भी आप बाजार 1 साल के लिए नहीं आ रहे, आप आगे फिर अगले 10 साल के लिए, भाई आप क्या कर सकते हैं, एवरेज में प्राइस मिल जाएगा 12 महीने और क्या। तो रामदेव जी, अब बात करते हैं कि आप रेगुलर हर साल और हर महीने में थीम्स पे पुस्तकें लिखते हैं, स्टडीज़ पब्लिश करते हैं। एक आपकी बड़ी फेमस स्टडी थी द ट्रिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम बात कर रहे थे कि ट्रिलियन डॉलर कहाँ पर बन सकता है। तो इंडिया की जीडीपी अभी 1 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो इंडिया की जीडीपी को अगर 3 से 5 होना है या 3 से 6 होना है, तो वह 3 से 5 या 3 से 6 का जो सफ़र है, कौन सी बड़ी कंपनी या कौन सी बड़ा सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा? देखिए ये जो बड़े अभी दिग्गज हैं टॉप 15-20, उनके ही कंधे पे इकोनॉमी 3 से 6 ट्रिलियन में होगी, लेकिन कुछ नए भी आएंगे इसमें, जैसे अभी डिजिटल कंपनीज हैं वो भी जुड़ेंगे, नए रिटेल कंपनीज हैं वो जुड़ेंगे, बट बेसिकली बल्क ऑफ द जॉब इज डन बाय अभी जो बड़ी कंपनीज हैं वही बड़ी होती जाती है, ठीक है ना। हमने पूरे डेटा देखे हैं, वही कंपनी घूम घूम के नंबर नंबर 4 बिकम्स नंबर 5, नंबर 5 बिकम्स नंबर 2, वही होते रहता है, फिर पीछे से कहीं से बजाज फाइनेंस जैसे कंपनी कहीं से आएगा नंबर 200 और जाके बन जाएगा नंबर 4 नंबर 5, तो ऐसे स्काई रॉकेटिंग कंपनीज भी आते हैं। और वही मैं बोल रहा हूँ, इस बार ऐसा चांस है कि ये डिजिटल कंपनीज हैं उसमें से, अभी देखिए अमेरिका में जितने टॉप कंपनीज हैं, इफ यू जहां पर वहां पर सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं, अभी आज के दिन में टॉप 10 में से 8 टेक कंपनीज हैं, एक बर्कशायर हैथवे 5वां नंबर, और एक और है अमेरिका से बैंक है, एक तो JP Morgan है या ऐसा कुछ है, एग्जॉन वगैरह जो मतलब नंबर 1 से सब गायब हो गए,
सो ऑल टेक कंपनीज। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो गढ़ है, इंडिया विल बिकम द कैपिटल ऑफ द टेक्नोलॉजी, बिकॉज सब सब काम तो यही हो रहा है। तो ये जो 10 साल में जो बदलाव आने वाला है, आज आपके देखिए, आपके जैसे हमारे टॉप 5 में 2 टेक है, इंफोसिस और TCS। सो अगले 10 साल में ये बहुत सारे नए बिजनेस आएंगे, बहुत सारे डिजिटल बिजनेस आएंगे। सो मतलब वेल्थ क्रिएशन विल हैपन, अब वो कौन से सेक्टर में कितना होगा वो समय बताएगा। तो रामदेव जी, अगर हम 2021 में, 2025 या 26 में, क्योंकि हम बड़ी कंपनियों की बात कर रहे हैं, चीज़ें चेंज होती रहती है। आपने जब स्टॉक मार्केट में निवेश करा था तो इंडेक्स जो सेंसेक्स था, कमोडिटी हैवी इंडेक्स था, अभी कमोडिटी का वेटेज कम है, टेक और फाइनेंशियल्स का वेटेज ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि निफ्टी का वेटेज और निफ्टी का जो शेप है आने वाले 5-6 साल में कैसा हो जाएगा? देखिए, अभी जो इंडेक्स है, मतलब अभी पूरा मार्केट का, पूरा बाजार का, वो है 250 लाख करोड़। हाँ जी, ओके, एज ऑफ यस्टरडे और टुडे इट मस्ट बी अबाउट 250 लाख करोड़। सो ये जो 500 लाख करोड़ जो होगा, उसमें जो है ना, मेरे को लगता है जो हर हमेशा नया सेक्टर आता है। तो अभी देखिए, 2001 में टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का 1% जो है वो आता था ये सॉफ्टवेयर कंपनी से। आपको मालूम है अभी कितना होगा 20 साल में? 24%। 24% ऑफ द प्रॉफिट्स आर कमिंग फ्रॉम दिस थिंग। उसी कारण से 20-22% ऑफ द एंटायर मार्केट क्या है, इज विद द टेक कंपनीज। एंड आपका नंबर टू कंपनी 13-14 लाख करोड़ का TCS बन गया है। तो ये वैसे होने वाला है, आपका जो बैंक्स है, ये जो टेक कंपनीज है। एंड मेरे ख्याल से नया सेगमेंट आएगा, ये सब जो है वो तो है, लेकिन नया सेगमेंट आएगा जीरो से, वो होगा डिजिटल कंपनीज, और वो मेरे ख्याल से 20% होगा। सो 500 लाख करोड़ में से मिनिमम 100 लाख करोड़ जो है ना डिजिटल कंपनीज का आएगा। अब वो कौन से डिजिटल कंपनीज होंगे वो आप बताएं। तो रामदेव जी, आज स्वदेश का लॉन्च है, तो मैं आपका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगा, और ये उम्मीद जरूर रखता हूँ कि हम जल्द एक लंबा और लॉन्ग फॉर्मेट इंटरव्यू करें। मगर जाने से पहले एक सवाल है जो सब जानना चाहते हैं, क्योंकि शेयर बाजार आंकड़ों का गेम है, हमेशा आंकड़े गिने जाते हैं, आप भी, यू आर अ नंबर्स मैन। जब ये शेयर बाजार एक दिन तो बुल मार्केट बेयर मार्केट बनेगा, मगर हमने हमेशा देखा है कि शेयर बाजार बॉटम से करीब करीब 3 से 4 गुना हो सकता है। तो मार्च बॉटम से अगर हम बात करें और 3 गुना की बात करें, तो लगता है शेयर बाजार जब तक ये बुल मार्केट 3-4 साल में खत्म होगा, 1 लाख का सैकड़ा पार कर पाएगा? देखो, आप वो चार्टिस्ट लोग से पूछो, वो लोग बहुत अच्छे से गिनते हैं, हमको ये नहीं आता है, हमको मालूम है डायरेक्शनली भी आ रहा। अब वो, और हमको ये भी मालूम है बीच बीच में काफी तकलीफ भी देने वाली, मतलब मोर देन वी थिंक सो, मतलब जितने लिए मैं तैयार नहीं हूँ उससे ज्यादा करेक्शन होगा। तो क्योंकि मैं 3-5 साल का देख नहीं रहा हूँ, मैं तो नेक्स्ट 40 साल का देख रहा हूँ। भाई, आपका लास्ट 40 साल में 100 का इंडेक्स हो गया है 60,000, तो 600 गुना बड़ा पड़ा है। दिस इकोनॉमी हैज द सेम पोटेंशियल फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स, मेरा एक ही कहने का बस। अब उसमें से आप 10 रहे 15 रहे, जितनी श्रद्धा है उतनी मतलब आप कर सकते हो ना। यदि आप 30 साल गए हो तो पूरा 40 साल रहो गया, और यदि मान लो 70 साल गए हो तो ऊपर वाले की मर्जी है। नहीं नहीं रामदेव जी, उम्मीद करते हैं कि सबकी लंबी उम्र हो, और उम्मीद करते हैं कि शेयर बाजार की, इस बुल मार्केट की उम्र और ज़्यादा लंबी हो। तो हमसे स्वदेश पे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और मैं अपने दर्शकों को बनाना चाहूँगा कि रामदेव जी और मोतीलाल जी एक प्रकार के स्वदेश के हीरो हैं। फ्रॉम वेरी हम्बल बिगनिंग्स टू बिकम सक्सेसफुल इन फाइनेंशियल मार्केट्स, इट इज़ टफ बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट दे मेड इम्पॉसिबल लुक वेरी वेरी ईजी। तो थैंक यू वेरी मच रामदेव जी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी अगली मुलाकात जल्दी होगी, जहाँ पर हम ढेर सारी बातें करेंगे, चाय पे चर्चा करेंगे, सेक्टर और कंपनियों की बातें करेंगे, सब हिंदी में बात करेंगे, बहुत बहुत मजा आएगा, और सुनने को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू रामदेव जी। चलिए, तो इस एक्सक्लूसिव बातचीत के बाद वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे आज के पहले स्वदेश हीरो से, जो है जाने माने बैंकर केवी कामत। बने रहें। बैंकिंग पार्टनर फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, विश मोर गेट मोर।
की नाव स्वदेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनके जो नए अवतार में वो एक हिंदी चैनल चालू कर रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल पार्टनर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। निवेश की तमाम बारीकियों को लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं, जहां पर हम न सिर्फ आपकी निवेश की शुरुआत करेंगे बल्कि आप कैसे मुनाफे के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं इस पर भी आपको गाइड करेंगे। आज एकदम बेहद खास मेहमान से आपको मिलवाने की बारी है। मैं यहां पर बात कर रही हूं यूटीआई एएमसी के अजय त्यागी का। त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आपने आज मनी मंत्रा पर आप आए, और खास बात यह है कि ETNO स्वदेश के लॉन्च पर इस बेहद खास एपिसोड में आपने समय निकाला और निवेशकों को तमाम निवेश के गुरु ज्ञान दे रहे हैं आप आज हमारे साथ। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और मेरी शुभकामनाएं आपके इस नए चैनल के लिए। शुरुआत में करना चाहूंगी साफ तौर से जो बाजार की चाल है, एक तरफ हम देख रहे हैं कि नए आयाम पर बाजार पहुंच रहा है, फेस्टिव सीजन एक तरह से दस्तक दे रहा है, इस दौर के बारे में मुझे बताइए। अगर मैं इसको पिछले साल मार्च से कंपेयर करना चाहूं, क्योंकि आप कई सारे फंड्स को संभालते हैं, आपका जो सफर है वो इसके कहीं आगे निकल चुका है, जिन्होंने निवेश नहीं किया हो वो अब तक क्या कुछ छूटा है, उनसे क्या कुछ छोड़ चुके हैं, क्या क्या मौका गवा चुके हैं? अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर जी, और उसको कंपेयर करें फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर, जी दोनों ही वर्षों में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर लॉकडाउन देखा गया था। फर्स्ट क्वार्टर लास्ट ईयर में हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 25% थी, इस क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ केवल नेगेटिव 10-11% रही है, और इसी के चलते मैंने आपको कहा कि सेंटिमेंट मजबूत है और आने वाले कुछ महीनों में हमारा ये अनुमान है कि कंज्यूमर सेंटिमेंट वापस से इस दिवाली और इस फेस्टिव सीजन में भी अच्छा मजबूत बना रहेगा। बिल्कुल, उम्मीद तो इसी की जाएगी, लेकिन आईपीओ की बात कहें, एनएफओ की बात करें, हम फैसला कैसे लें कि इन्हें हमें अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए या नहीं? अजय जी, ये आज की तारीख में बहुत बड़ा सवाल है। देखिए कविता जी, इन्वेस्टमेंट के कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो मैं समझता हूँ 100 साल पहले लिखे गए थे या हो सकता है उससे भी अधिक पहले, और मैं मानता हूँ कि हर दशक ये गोल्डन रूल्स अपने आप में अपने आप को प्रूफ करते हैं कि क्यों इनसे कभी भी किसी निवेशक की नजर नहीं हटनी चाहिए, और वही गोल्डन रूल्स हमारे सारे निवेशकों को ध्यान में रखने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, मजबूत व्यवसाय में निवेश करें, कहीं सुनी बातों पे निवेश ना करें, क्योंकि किसी ने आपके कान में आके बोला है कि देखिए फला स्टॉक या फला आईपीओ बहुत चलने वाला है, इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान ना दें। चलिए, बुनियादी नियम आपके निवेश पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे पहले स्वदेश हीरो की। ये वो है जिनका नाम बैंकिंग सेक्टर में बड़ी इज्जत से लिया जाता है, जिन्हें ICICI बैंक को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है। वो कई सरकारी कमेटियों की अगुवाई कर चुके हैं, उनका नाम है KV कामत। आपने 5 दशक से ज़्यादा लंबे करियर में KV कामत ने इन्फोसिस चेयरमैन पद भी संभाला है, और उन्हें उनके काम के लिए पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उनसे खास बातचीत की ETNO स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। मिस्टर कामत, व्हाइल यू चैंपियन द एंटायर बैंकिंग सेक्टर एंड वी ऑल नो दैट हाउ यू आर a man with a reformist and with a growth mindset, but considering how the banking landscape has changed, given how fintechs are now the new disruptors and the fact that big companies are not going to the banks to borrow, how do you see the future of new age banking in this century or in this decade, I would say? No, Nikunj, the banking sector has to face technological changes as an ongoing challenge. I think we took advantage of the opportunities that technology provided going back 20 years. And I'm sure the banking leaders of today will also take a similar advantage of technological changes that are happening. Yes, there will be the new age players
of all hues, and these will be in, would say, in a larger context. By that I mean there would be across the financial services spectrum. We are already seeing them mounting a challenge, let us say, at in the securities business. You'll probably see them mounting a challenge in the asset management business. And these two could be a part of a continuum. But this is something that incumbent banks, small or large, in whichever, whatever area they play in, will have to count. How do you do this? Basically, you need to think new. You need to think like a new digital startup. So the banks which will do well, the established banks which will do well, will be those which will think like a startup, have the agility and the nimbleness of a startup, and leverage technology to the fullest. One good thing, Nikunj, is that the cost of technology today is a fraction of what it was 20 years back. And you have platforms or APIs for each single area of operation that you want. And all this could be stitched together at a very, I would say, reasonable cost. So an incumbent player should not find it difficult if they are willing to be a change agent for themselves. But it's going to be interesting. You raised a question there on the corporate lending. And that is going to be, yes, one part of business which may not be there. But I would dare say that as India heads to a 5 trillion economy, you will see so many other businesses that come across, that are on the plate when you talk of a corporate house. Because a whole suite of banking products will have to be utilized by these corporates to do their own business, whether it is between themselves and their vendors, their customers, and so on. And of course, there is the entire retail suite of products which will be available to a bank, along with access to retail money. So banks, if they, I would say, believe that they have it in them to be the change agent for themselves, they will succeed. Mr. Kamath, if I look at the commanding valuation some of the fintechs are commanding, they are running into, on an average, $4 to $5 billion in India. None of these fintechs have a balance sheet size of even $1 billion, but the markets are giving them that kind of an valuation. So is this the new change in technology which we must endorse, or you think it's a matter of time the realization would kick in that ultimately a financial institution needs a strong balance sheet, and especially on the lending, especially on the borrowing side? Yeah, I think time will tell, Nikunj. But from what I've observed, if you are expecting a valuation as a multiple of your top line, and some of these companies have top lines of 500 crores, 600 crores, forget the losses that they are incurring, and you then expect, and that's less than $100 million, and then you talk of a valuation of 7 to 10 billion, I think there is a disconnect somewhere. I'm sure people who have put money into these companies know better. That is the PE companies that have funded them, but, and these are what I would call hopefully informed investors. But when you talk of the market, if these companies come to market without a proper, I would say, record of what they've achieved, I think the investor should be cautious and aware of what is happening. I heard one of leading investors say that as long as he doesn't understand these companies, and as long as he doesn't understand the cash flows on which this valuation is based, he would not invest. I would think this is sound advice, because there are too many players out there at this point in time. We do not know where and when the leveling will take place, and post-leveling, who are those who will command a reasonable valuation. But if you expect valuations of, let us say, 100 times your 100 times your top line, I think that's not going to work. Something has to give very quickly somewhere. Mr. Kamath, before you came back to India, you were heading the BRICS Bank, and you were very closely looking at the Chinese economy. Are you a bit surprised that how things are moving in China, both in terms of the administrative changes, and now suddenly the Chinese are looking at rewinding their entire growth back? What implications do you think this could have on India when China, which is the factory of the world, suddenly is in reverse gear? Yeah, I think sitting here at this point in time, it's early days to comment. But let me put things in context.
Now, what I saw there was clearly there was stress in certain areas, real estate being one of them. There is no question about that. And I would guess that what is now happening is the regulators and the government have taken a stand that these loans now need to be resolved in one way or the other. And I think that is what you're seeing in the real estate sector. Add to that, these real estate companies, from what is visible just now in the media and the news, they started acting basically like finance companies and shadow banks. And that, I think, is causing more worry. But I'm sure that the real estate side of it will be contained. It will not be resolved to the satisfaction of everybody. People will have to take a hit, but it will be contained. I think what is more difficult for me to understand sitting here and not being privy to what is happening on the ground is the sudden cutback that they did on power generation. And on paper, it was said that this is part of the green move, as it were. You know, things that come to mind is typically this is entering winter. At this point in time, when the heating load is very high, would you really be looking at correcting the imbalance in terms of, let us say, ecological balance and what you need to do? You'd probably keep that to spring, and then you have got 6-8 months to do it before the next winter steps in. I must say that there is a whole lot of green capacity being set up, but at the same time, it's very clear that you could not have done without the coal-based power plants that they have. And cutting back production there is causing all this pain. But what is the root cause for cutting back production is not very clear. Is it the green thrust that is being talked of? Could be. Is it that coal has become suddenly tight domestically because you cut back mining, and globally because of either increase in rates or certain supply constraints? But as you well know, movement of goods on the high seas still is a big challenge. स्वदेश हीरो के साथ इस खास बातचीत के बाद स्वदेश आर में आज के लिए इतना ही. मुझे भी इजाजत दें. नमस्कार. देश बदल रहा है और बदलाव की यह रफ्तार हर दिन बढ़ती ही जा रही है. बदल रही है पुरानी सोच, बदल रहे हैं पुराने तरीके. Make in India. इस नए इंडिया में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही नहीं, अब लोग डीमैट अकाउंट भी खुलवा रहे हैं. चाहे देसी हो या विदेशी, सब इंडियन मार्केट पर ही भरोसा दिखा रहे हैं. जहां नौकरी की जगह अब लोग चुन रहे हैं खुद का काम. वो इंडिया जिसे तरक्की कर रही है हर रोज सलाम. आत्मनिर्भर भारत.